अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज तो करना किसी और चीज से चाहती थी, लेकिन ताज़ा तरीन खबर से करते हैं जी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया हुकूमत की तरफ से 5 रुपए का। अच्छी खुशाइंद खबर है आज के दिन की, और मेरे ख्याल से सो फार 3 साल जो हुकूमत को हो चुके हैं उसके अंदर अब तक की अच्छी खबर है कि कुछ तौर से जो रिलीफ देने की बात हुकूमत कर रही थी, चूंकि अब 5 रुपए कम हुए, तो अब देखना ये होगा कि वो चीज़ें जो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ने से बढ़ गई थी, क्या ईमानदारी के साथ इस मुल्क के अंदर वो तमाम शोबाए जात के अंदर लोग उन कीमतों को कम करेंगे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बेस बनाकर बढ़ाते हैं। तो क्या जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है उन सारी चीज़ों का वो भी नज़र आएगा। दिस इज़ अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। दूसरी तरफ जी, जहाँ एक तरफ ये बात है वहीं पर जी फवाद चौधरी साहब ने आज स्टेटमेंट एक दिया, और वो बड़ा ही कोई स्टेटमेंट अजीब सा था कि जी उन्होंने कहा है कि अगर दवाओं की कीमतों में एक दवा की कीमत 3 से 7 रुपए हो जाती है तो कौन सा कयामत आ जाती है। देखिए, उस गरीब से पूछे जिसकी तनख्वाह जो है वो 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है। चूंकि इस वजह से मैं ये बात बार बार करती हूँ कि वजीर आजम साहब खड़े होकर अपने खिताब में खुद ये फरमाते हैं, जो कि इस वक्त मुल्क के हुक्मरान हैं, मौजूदा इकतदार के हुक्मरान हैं, मौजूदा आवाम के जो इस वक्त जो मौजूदा इकतदार में बैठे हुए हुक्मरानी कर रहे हैं, तो वो ये बात खुद कहते हैं कि 2 लाख रुपए में तो मेरा घर नहीं चलता। तो फवाद चौधरी साहब, जिसका 2 लाख में घर नहीं चलता हो, जिस वजीर आजम का, जिस मुल्क के, तो उधर अगर एक आम मजदूर बंदे की 10,000, 8,000, 15,000 रुपए नौकरी में वो करता है, पैसों में, उजरत में, तो फिर सवाल है ना कि 3 से 7 रुपए होगी तो वो बेचारा कहां जाएगा। दूसरी तरफ जी, एक शोशा तो ये छोड़ा उन्होंने, और एक और शोशा छोड़ा वो ये कि जी गैस इतनी सस्ती मिल रही है मुल्क के अंदर, और अगले कई सालों में जो है वो गैस ना पैद होगी तो लोग अपनी आदतें बदल लें, क्या कर लें, जो है उस बिजली पर आ जाएं फिर सारी चीजें लेके, जिस बिजली को आप हर महीने महीने की बुनियाद पे बढ़ाए जा रहे हैं। सबसे महंगी बिजली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वक्त खित्ते के अंदर, सबसे महंगी बिजली। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जी मादरजा साहब कह रहे थे कि आज के जी दावा कर रहे थे कि सर्दियां जो है इस वक्त उसमें गैस की लोड शेडिंग गुज़िश्ता बरसों से कम है, तो ये बड़ा अच्छा आपने आज हमें लतीफ़ा सुनाया है, मुल्क का तारीखी लतीफ़ा है जो कि मादरजा साहब एक के बाद एक सुना रहे हैं, और मैं उसके ऊपर बिल्कुल हैरान नहीं हूँ, क्योंकि इस हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ लतीफ़े ऐसे मुख्तलिफ औकात में हम सुनते रहे हैं। दूसरी तरफ जी, नून लीग की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब होंगे। दिस इज़ अगेन वो हो गया है मामला, लेकिन मेरी इत्तला बावसूख ज़राए से ये है कि ये स्टेटमेंट जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने परसों दिया था कि कैंडिडेट जो है वो नहीं है उसके उम्मीदवार बराए वजारत उज़्मा, वो शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, वो जिसने उनको कह के शहबाज शरीफ साहब को जिस शख्स ने कह के, जिस पॉलिटिकल शख्स ने दिलवाया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, वो उन्होंने खुद नहीं दिया स्टेटमेंट, उनसे वो दिलवाया गया है। सो दिस वॉज इज माई नॉलेज एंड दिस इज अ वेरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन विद ऑथेंटिक सोर्स। तो बहरहाल इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ जी, आज एक तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें चली हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के गैर कानूनी पम्प्स बंद करने का हुक्म दिया गया है, इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन का केस भी चला है बरतरफी का, तो ये भी सारी चीज़ें हैं खास तौर पे जिसके ऊपर जी बात करेंगे। लेकिन आज हुकूमत एक और अच्छी खबर ये भी सुना रही है कि जी खुसरो बख्तियार साहब जो कि वफाकी वजीर सनअत व पैदावार है, कि आसान फाइनेंस स्कीम मुतारिफ कराई जाएगी, तो वो क्या होगी, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी पर्टिनेंट थिंग। वेल, मूविंग टूवर्ड्स माई पैनल जाऊँगी जी, टाइम कम है। सबसे पहले जी ज्वाइन करेंगे हुकूमत की तरफ से उज़्मा रियाज जदून साहिबा, बहुत शुक्रिया उज़्मा रियाज जदून साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर गौस हैं, सीनियर रानुमाया जी मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुश आमदेद कहूंगी, बहुत शुक्रिया सेंटर गौस साहब, थैंक यू सो वेरी मच। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अख्वानजादा चिटान साहब हैं, सीनियर रानुमाया सीसी के मेंबर हैं जी, पीपल्स पार्टी के बड़े क्लोज हैं, लीडरशिप से फैसलों को जानते हैं, बहुत शुक्रिया सैयद अख्वानजादा चिटान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जी मैं ज़रा ऑपोजिशन की तरफ चली जाती हूँ, हुकूमत तो वैसे ही आज बल्ले बल्ले करिए खुश है 5 रुपए कम करने पे पेट्रोल, तो अख्वानजादा चिटान साहब 5 रुपए कम हो गए हैं पेट्रोलियम मसनूआत पे, तो क्या कौम इतनी हमारी लगती है कि ईमानदार है,
और अपना सेल्फ एहतसाब करती है कि जी अब 5 रुपए जब कम हुए तो वो जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्क पड़ा था 5 रुपए बढ़ने से 10 रुपए बढ़ने से, लोग कम करेंगे, कमी की तरफ आएंगे और ओवरऑल इम्पैक्ट उसका आम आवाम पे निचले सतह तक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसका फायदा सिर्फ डायरेक्ट जो फ्यूल डालते हैं उसको 5 रुपए कम मिलेगा और उसको फायदा होगा, बाकी जो वो पेट्रोल जब महंगा हो जाता है और इसके साथ दूसरे जो खुर्दनोश की अशिया और जरूरत की अशिया और किरायों में इजाफा हो जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी जो पेट्रोल सस्ता किया है 5 रुपए, तो उन्होंने भी हतमताई के कब्र पे लात मारी है। हर वक्त जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो ये दलील देते हैं हुकूमत नुमाइंदे कि ये तो इंटरनेशनल मार्केट में जब फ्यूल की कीमत बढ़ जाती है तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम फ्यूल की कीमत को बढ़ाएं। तो अगर इस हिसाब से उसको कम करना था जो इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की कीमतें जो गिरे हैं, तो वो कम अज कम हुकूमत को 18 से, और अगर ज्यादा जुल्म भी करते टैक्स को भी लगाते, तो कम अज कम 11 रुपये फी लीटर इसमें कमी लाना था। 9 रुपये डीजल में और 11 रुपये पेट्रोल में कमी लाना था, तो वो भी आवाम को उन्होंने पूरा रिलीफ नहीं दिया। और बाकी जो हमारे आवाम है उसको सिर्फ वही जो फ्यूल डालते हैं उसमें उसको रिलीफ मिलेगा। इस हुकूमत के बिल्कुल रेट है ही नहीं। आप देख ले कि पुराने जमाने में पिछली हुकूमतों में ये जो कहते हैं कि सारी खराबियां पिछली हुकूमतों से है, अगर एक चीज की कीमत बढ़ जाती है 10 रुपये तो वो 10 रुपये में भी महंगा हो जाता था। कराची में, लाहौर में, पुख्तनख्वा में, हर जगह पे वो चीज महंगा हो जाता था 10 रुपये। अब हालात ये है कि आप एक मार्केट में जाए तो आपको चीनी एक कीमत पे मिलेगा, आपको घी दूसरी कीमत पे मिलेगा। इस मार्केट को छोड़ के आप दूसरे और तीसरे मार्केट में जाए, मिसाल के तौर पर अगर आप अपारा में किसी चीज के बारे में पूछ ले तो एक कीमत आपको बताएगा, अगर आप कराची कंपनी जाए इस्लामाबाद में वहां पे कीमत कुछ और होगा। तो ये हुकूमत इसके इंतजामी की वजह से आवाम को वो रिलीफ नहीं मिल सकता है जो मिलना चाहिए 5 रुपए सस्ता होने से फ्यूल की वजह से। ठीक है, सही है। मैं जाती हूँ सेंटर गौस की तरफ। सेंटर गौस साहब, कैसे देख रहे हैं 5 रुपए कमी के बाद? लगता है कि कौम की भी तो कुछ फराइज है ना, असल में बात हम सिर्फ लीडरों पे और बाकी इदारों पे तो नहीं डाल सकते, हम खुद एहतसाबी की अमल से भी हमें गुजरना है। अभी इस कौम ने दो क्या हमें 75 साल हो गए हैं बने हुए, लेकिन फिर भी लोगों का ईमान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि दिन ब दिन डुबाता हुआ नजर आ रहा है हर सतह पर। बहरहाल ये जो इस मामला है 5 रुपए कमी का, तो उसके बाद लगता है कि कोई इम्पैक्ट आएगा, या जैसे अख्वानज़ादा चट्टान साहब कह रहे हैं कि 5 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ना है, सिर्फ 11 रुपए की कमी होनी चाहिए थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिता, बात बिल्कुल सही चट्टान साहब ने कही है। जिस तरह आलमी मंडी में जो है वो रेट कम हुए हैं उसके पेट्रोल उसके फ्यूल के, उस हिसाब से तो 11 रुपए कम होने चाहिए थे, लेकिन हुकूमत ने ये मौका गनीमत जाना और उसमें जो लेवी टैक्स बढ़ा दिया और आवाम को रिलीफ जो है ना वो कम पहुंचा। असल में जब 5 रुपए रेट कम हुआ है तो ये हुकूमत वक्त की ये ड्यूटी होती है, ये जिम्मेदारी होती है कि उसका जो रिलीफ है वो आवाम तक पहुँचाए। आप देखो ना, अभी जब रेट बढ़े थे तो पेट्रोल के, तो उसके साथ तमाम यूटिलिटी की चीजें हैं सब के रेट बढ़ गए थे कि जी कह रहे का खर्चा होगा ये होगा। अब ये गवर्नेंस अच्छी, अगर इनकी गवर्नेंस हो तो तमाम चीजों को रेट जिनके बढ़े थे 5 रुपए के हिसाब से कम होने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कम होंगे क्योंकि गवर्नेंस नाम की चीज ना पंजाब में है ना वफाक में है। जिस मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ एक CNN या एक अमेरिका का टीवी चेक है कि वजीर आजम की जो वजीर आजम है वो तो जस्ट लाइक मेयर ऑफ इस्लामाबाद है, उसकी कोई उस पूरे मुल्क में कोई गवर्नेंस नहीं है, तो वहां हम क्या तवक्कुल कर सकते हैं कि क्या आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? बस एक पेट्रोल सस्ता मिलेगा 5 रुपए और फिर उसके बाद और किस चीज के रेट में कमी नहीं होने लगी। अगर गवर्नेंस अच्छी हो तो रेट कम हो सकते हैं मजीद, गवर्नेंस अच्छी हो तो मजीद जो है वो रेट कम हो सकते हैं। उज्मा की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन एक मुझे चूंकि शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है उसकी तरफ जाना है, उसके बाद वापस आती हूँ तो उज्मा से भी पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। वी आर गोइंग फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड।